हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी इन टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय है, उसके यूनिट टू का पार्ट थ्री की आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में दो टॉपिक्स रह गए, तो वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस दो टॉपिक्स में से आपका कोई भी एग्जाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले कल हमने बात करी थी आपसे यूरोपीय यूनियन की, ठीक है, और चीन की। आज हम बात करेंगे रूस की और जापान की। ठीक है, रूस, तो पहले बात करते हैं रूस का इतिहास क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। ठीक है, तो वर्तमान में रूस विश्व की विकसित देशों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो वर्तमान में रूस किन श्रेणी में आता है? विश्व की सबसे विकसित देशों की श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है रूस सोवियत संघ का एक हिस्सा था तथा रूस के बड़े क्षेत्रफल के कारण रूस एक प्रकार से सोवियत संघ पर हावी था। सोवियत संघ भी सभी सुविधाएं तथा सभी प्रकार की अच्छी व्यवस्थाएं रूस को प्राप्त हुई। सहित सोवियत संघ 14 और राज्यों का था। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि रूस का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा था। ठीक है, रूस की व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि सोवियत संघ के समय जब युद्ध चल रहा था, उस समय जब सोवियत संघ का अस्तित्व था, तब सोवियत संघ अपनी सारी की सारी अच्छी सुविधाएं, ठीक है, अपना खनिज, अपना तेल, अपनी सुविधाएं सब रूस को प्रदान करता था। वहीं सोवियत संघ और 14 राज्य और थे सोवियत संघ में, बट उन्हें ना देकर वो क्या करता था, वो सिर्फ रूस को ही अच्छी व्यवस्था पकड़ाता था। ठीक है, रूस को अच्छी व्यवस्था प्राप्त करता था, परंतु उन राज्यों का महत्व इतना नहीं था जितना महत्व रूस को प्राप्त था। ठीक है, जो बाकी 14 राज्य थे उन्हें इतना महत्व नहीं दिया गया जितना हमें दिखाया गया है कि रूस को महत्व प्राप्त था। उसके बाद 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए राज्यों का उदय हुआ जिसमें रूस एक था। ठीक है, अब ये जो डेट है आपको इसको याद कर लेना है कि कब हुआ था, 1991 में। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 नए राज्यों का गठन हुआ, 15 नए राज्य बने। उसके बाद आता है 15 नए राज्यों के उदय होने के बाद उन राज्यों की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब थी। ठीक है, जब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ उस समय सोवियत संघ में काफ़ी ज़्यादा स्थिति वैसे ही खराब थी, पर जब विघटन हो गया उसके बाद जो देश अलग अलग हुए उनके पास अपना संविधान था, ना अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, तो उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी, दुर्लभ देशों में से एक थे वो। उसके बाद रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी तथा उसकी अर्थव्यवस्था समय के साथ साथ नीचे गिरती जा रही थी। अब जब रूस आज़ाद हुआ, सोवियत संघ से रूस निकला बाहर, तो उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी। ठीक है, उसके पास ना अच्छी अर्थव्यवस्था थी, ना ही किसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी उसे। ठीक है, तो ये कारण था, उसकी अर्थव्यवस्था समय के साथ साथ क्या नीचे जा रही थी, समय के साथ साथ विकास नहीं हो रहा था बट नीचे गिरती जा रही थी। उसके बाद आता 1990 के दशक में भ्रष्टाचार, अराजकता और अपराधियों की संख्या बढ़ती। 1990 का दशक है, ठीक है, यहाँ पे दशक की बात करी गई है, 1990 के साल की बात नहीं की गई। आप ध्यान से देखिए, 1990 के दशक में क्या भ्रष्टाचार बढ़ गया था, अराजकता बढ़ गई थी, अपराधियों की संख्या बढ़ गई थी, बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, ये जिसके कारण उस समय के तत्काल नेता बोरिस येल्त्सिन ने अपना यहाँ पे सप्ताह की जगह अपना इस्तीफा दे दिया तथा सत्ता पुतिन के हाथों में आ गई। ठीक है, वालदिन पुतिन के हाथों में आ गई थी। बोरिस येल्त्सिन ने 1990 के दशक में बढ़ते भ्रष्टाचार और अराजकता के कारण सत्ता से इस्तीफा दे दिया और जो सत्ता है वो वाल्दिमीर पुतिन के हाथों में आ गई। ठीक है, ये क्लियर हुए पॉइंट्स? अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। इसके बाद पुतिन ने रूस में बड़ी तेज़ी से विकास किया, जीडीपी को लगभग 7% तक बढ़ा दिया था। पुतिन ने राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के आंतरिक विकास पर अधिक ध्यान दिया। ठीक है, अब जब व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आए तो उन्होंने क्या करा, रूस की जो आंतरिक मामले हैं
है, उसके ऊपर अधिक ध्यान दिया ना कि बाहरी मामलों पर। व्लादिमीर पुतिन ने रूस की जीडीपी को ऊपर बढ़ाया, ठीक है, 7% तक बढ़ा दिया था। उसके बाद उन्होंने जब सत्ता में आए तो उन्होंने आंतरिक विकास पर अधिक ध्यान दिया, ठीक है। आंतरिक विकास से अर्थ है कि उन्होंने रूस के विकास पर ध्यान दिया ना कि रूस के जो संबंध है विदेशों के साथ उनके ऊपर, ठीक है, ज़्यादा। उसके बाद आता है, रूस की जनता ने 2008 में बढ़ती तेल की कीमतों को देखकर अर्थव्यवस्था से फिर से नीचे गिर जाते हुए देखा, ठीक है। अब क्या हुआ, 2008 के ठीक है, वर्ष 2008 में तेल की कीमतें इतनी ऊपर चढ़ने लगी कि रूस की अर्थव्यवस्था फिर से नीचे जाने लगी थी, ठीक है। रूस की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो रहा था, परंतु 2016 में फिर अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी और विकास की राह पर आ गई। उसके बाद सन 2016 में दोबारा से जो तेल की कीमतें हैं वो ठीक रेट पर आईं, साथ में अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी। अर्थव्यवस्था जिस स्पीड से नीचे जा रही थी अब वो उसी स्पीड से ऊपर जा रही थी, ठीक है। अर्थव्यवस्था अपना विकास करती जा रही थी। तो इस तरह से आप लिखेंगे ना तो आपको मोस्ट ऑफ द पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, साथ में आपके नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि रूस के लोकतंत्र में पश्चिमी रूप का कोई भी अंग उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पे हम रूस के थोड़ा लोकतंत्र की बात करते हैं इस पैराग्राफ में, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो रूस है उसका जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसमें ना पश्चिम के मतलब अमेरिका की तरफ के या फिर वेस्टर्न कल्चर का कोई भी अंग नहीं है रूस के उप संविधान में, जिससे कई लोग रूस पर आरोप लगाते हैं कि रूस ने मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है। तो कई जो राजनीतिज्ञ हैं या फिर कई जो लोग हैं वो रूस पर ये आरोप लगाते हैं कि रूस क्या करता है, एक प्रकार से ना मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है, वो किसी भी मानव के अधिकार का पालन नहीं करता है, ठीक है। मानव को दबाव में रखता है, वहाँ की जो जनता है वो दबाव में रहती है और वहाँ की जो सरकार है वो तानाशाही सरकार है, वहाँ के लोग कुछ लोग ये कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रूस की जो सुविधाएं हैं रूस के पास वो क्या क्या है, तो पहली सुविधा है कि रूस के परमाणु हथियारों की उपलब्धता है, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के सभी परमाणु हथियार उसको दे दिए गए थे, ठीक है। अब सोवियत संघ जब विघटन हुआ तो सोवियत संघ के पास जितने भी परमाणु हथियार थे वो सब रूस को प्रदान कर दिए गए, क्योंकि रूस को एक प्रकार से सोवियत संघ का ही मेन अंग माना गया था, इसीलिए उसे सारे के सारे परमाणु हथियार दे दिए गए, ठीक है। तो रूस क्या था, परमाणु हथियार संपन्न देश बन गया। दूसरा, रूस के पास बड़ी मात्रा में खनिज उत्पादन उपलब्ध है, क्योंकि यूरोप और एशिया के क्षेत्रफल के तौर पर रूस एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो रूस के पास खनिज और जो खनिज की उपलब्धता है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि रूस एशिया का एक बड़ा देश है, ठीक है, क्षेत्रफल में एक बड़ा देश है, तो बड़े देश होने के कारण उसके पास क्षेत्रफल अधिक है जिसमें तेल की और खनिज की मात्रा भरपूर है, ठीक है। उसके बाद आता है, रूस विश्व की महाशक्तियों में से एक है तथा यूनाइटेड नेशन में उसे प्रमुख सदस्यता प्राप्त है, ठीक है। अब रूस का एक और विशेषता यह है कि रूस को यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है, ठीक है, वो महाशक्ति के रूप में है, और संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा काउंसिल है, सॉरी सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सुरक्षा परिषद, उसके अंदर उसे एक स्थायी सदस्यता प्राप्त है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आता है, रूस के विश्व के कई देशों के साथ अच्छे संबंध हैं जो ये दर्शाते हैं कि रूस एक समृद्ध देश है तथा रूस ने कई संगठनों की सदस्यता प्राप्त कर रखी है। वह संगठन नीचे निम्नलिखित है, ठीक है। तो रूस ने क्या करा, कई संगठनों के साथ अपनी सदस्यता को अच्छा बनाया, साथ में कई ऐसे देश भी हैं जैसे पड़ोसी देश हो गए, ठीक है, भारत के साथ रूस के संबंध बहुत ही ज़्यादा कड़े हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। साथ में अमेरिका के साथ बात करें तो अमेरिका के साथ संबंध में थोड़ी बहुत खटास है, वहीं चाइना के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो रूस ने जिन संगठनों को सदस्यता है वह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन, G20 और एपिक, ठीक है, ये जो चार संगठन है इनका सदस्य रूस है। उसके बाद आता है रूस के, हम आगे देखें तो रूस और चीन के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं तथा इनके बीच में कई प्रकार की संधियां भी हुई हैं। तेल और गैस पाइपलाइन दोनों के निर्माण से रूस चीन द्विपक्षीय संबंधों में योगदान से रूस के क्षेत्र
चीन से जुड़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, रूस के साथ चीन के संबंध तो बहुत अच्छे ही थे और कई प्रकार की संधियाँ भी करी। साथ में उन लोगों ने क्या करा, तेल और गैस को सप्लाई करने के लिए एक पाइपलाइन का निर्माण किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, दोनों के दोनों देश कनेक्टेड हो गए एक दूसरे से, रूस और चीन एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए किसके द्वारा, यहाँ पे गैस पाइपलाइन के द्वारा। अब हम रूस की सैन्य शक्ति की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रूस सैन्य शक्ति में क्षेत्र, सैन्य शक्ति के क्षेत्र में विश्व में एक उचित स्थान रखता है। ठीक है, क्या करता है, रूस विश्व में एक ऊंचा स्थान प्राप्त है। रूस के पास बहुत ही उत्तम प्रकार की सेना तथा हथियार उपलब्ध है, तो ये तो बेसिक पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे आप कि रूस में जमीनी सेना, वायु सेना तथा जल सेना तीनों पर अधिक से अधिक बेहतर बनाने की कोशिश की है। रूस में 18 से अधिक और 28 वर्ष से कम प्रत्येक पुरुष को सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे एक रूल दिया गया है रूस में कि 28 वर्ष का जो भी व्यक्ति है, ठीक है, सॉरी 18 वर्ष से जो भी अधिक का व्यक्ति है उसे किस में भर्ती होना, एक बार सेना में भर्ती होना ही है। ठीक है, एक बार उसे सेना में भर्ती होना है। उसके बाद आता है तथा रूस के पास विश्व के सबसे खतरनाक हथियार हैं। अब रूस के पास परमाणु हथियार हैं, रूस के पास विश्व के सबसे जो हानिकारक कह सकते हैं घातक हथियार जो है वो रूस के पास हैं। ठीक है, वर्तमान में रूस हथियारों को सप्लाई भी करता है और खुद उनका प्रयोग भी करने की क्षमता रखता है। ठीक है, उसके खतरनाक हथियार हैं जिसमें परमाणु हथियार भी आते हैं। वर्तमान में रूस हथियारों का एक बड़ा निर्यातक देश भी है। ठीक है, वर्तमान में क्या है, और एक बहुत बड़ा सप्लायर है हथियारों का। भारत भी रूस से कई प्रकार के हथियार भी खरीदता है। रूस का रक्षा बजट बहुत ही अधिक है तथा वह अपनी सेना पर अधिक से अधिक धन खर्च करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि रूस कितना खर्च करता है, तो रूस अपनी सेना पर अधिक से अधिक खर्च करता है, वो मैं आगे आपको एक चार्ट के थ्रू दिखाऊंगा। ठीक है, रूस ने अपनी सेना पर अधिक से अधिक खर्च करने की कोशिश की। रूस के पास तेल, प्राकृतिक गैस और साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में लकड़ी का निर्यात करता है। ठीक है, अब रूस क्या करता है, तेल का निर्यात भी करता है, ठीक है, प्राकृतिक गैस का भी निर्यात करता है, साथ में दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का निर्यातक भी रूस ही है। अब हम रूस के रक्षा बजट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, ठीक है, जिसमें 2010 से लेकर 2019 तक के रूस के जो रक्षा बजट है उसके बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो लिखा है ये मतलब US डॉलर बिलियंस में, ठीक है, जैसे 10 बिलियन, 20 बिलियन, 30 बिलियन, 40, 50, इस तरह इसको बांटा गया, यहाँ पे सन दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2010 की बात करें तो यहाँ पे अराउंड इसने 50 बिलियन तक पैसा खर्च करा था अपने रक्षा बजट पे। 2011 में आप इस हिसाब से देख सकते हैं तो 53 बिलियन के आसपास खर्च करा था। यहाँ पे देखें तो 60 बिलियन खर्च करा था 2012 में, 60 बिलियन से ज़्यादा खर्च करा था 2013 में और 14-15। ठीक है, सबसे अधिक जब खर्च करा था वो दौर था, सॉरी, वो 2016 का साल था। ठीक है, 2016 में उसने तकरीबन 72-73 मिलियन पैसा, बिलियन पैसा, मतलब US करेंसी जो है वो खर्च करी थी, US डॉलर खर्च करा था अराउंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रूस ने अपना जो रक्षा बजट है उस पर अधिक से अधिक ध्यान दिया है। वो हर साल के हिसाब से कभी कम और कभी ज़्यादा हिसाब से खर्च करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जापान की, तो जापान का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है आपके लिए, पर ठीक है, पर जापान का पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जापान भी वर्तमान में एक महाशक्ति के रूप में विश्व में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या है कि जापान विश्व में समृद्ध देशों में से एक है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेना को रखने से साफ इनकार कर दिया था। अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जापान ने क्या करा, जापान ने जो सेना होती है उसे रखने से साफ मना कर दिया। बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता होगा कि अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था, जिसके बाद उसकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी, ठीक है, उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उस समय कोई हद ही नहीं थी। जबकि कहते बुकों में आपके लिखा हुआ है कि जापान ने घुटने टेक दिए थे, बट स्टिल अमेरिका ने अपनी क्षमता दिखाने के लिए, अपनी वर्चस्व दिखाने के लिए परमाणु बम को गिराया और दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया।
ठीक है, तो उसके बाद क्या कहा, जापान ने साफ इनकार कर दिया कि अब हम सेना नहीं रखेंगे, तथा जापान को सीधे तौर पर शांतिपूर्ण देश के रूप में देखा जाता है। अब क्या है कि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जापान क्या करता है, सिर्फ अपना विकास करता है, ना कि अपने सेना के क्षेत्र में अपना विकास करता है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी में विकास करता है, मानवता के क्षेत्र में विकास करता है, बट सेना के क्षेत्र में नहीं। जापान के पास कोई भी अपनी सेना नहीं है, वह सेना को अधिक महत्व नहीं देता। जापान केवल अपनी अर्थव्यवस्था के विकास पर ही जोर दे रहा है। जापान क्या कर रहा है, केवल अपनी अर्थव्यवस्था के विकास पर ही जोर दे रहा है। वो चाहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था विकास में आगे तक जाए। ध्यान आता है कि जापान केवल अपनी अर्थव्यवस्था पर विकास दे रहा है। विश्व में जापान की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर है। अमेरिका हमेशा से चाहता है कि जापान अपनी सैन्य शक्ति पर अधिक से अधिक ध्यान दे। ठीक है, तो विश्व में जो जापान की अर्थव्यवस्था है वो तीसरे नंबर पर है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट बताया गया है कि अमेरिका एक जो कि महाशक्ति है, वो हमेशा से ही जापान को ये चाहता है कि जापान हमेशा से ही सैन्य शक्ति अपने पास रखे। क्यों? क्योंकि जापान एक शक्ति के रूप में विश्व में दिखाई दे रहा है, तो उसके पास अपनी एक सेना होनी चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है, ये अमेरिका चाहता है, बट जो जापान है वो हमेशा से इसका विरोधी रहा है, क्योंकि जापान शक्ति का केंद्र बनता जा रहा है, परंतु जापान इसके सीधे तौर पर खिलाफ है, तथा जापान नहीं चाहता कि वह किसी भी प्रकार की सैन्य बल अपने पास रखे। ठीक है, जापान सीधे तौर पर इसके खिलाफ है, वो नहीं चाहता कि उसके पास कोई भी सेना हो। उसके बाद आता है कि जापान की अर्थव्यवस्था में महिलाएं को सशक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक कार्य किए गए, तथा जापान विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। ठीक है, तो जापान में क्या हुआ, महिलाओं को जापान ने ये देखा कि किसकी कंडीशन ख़राब है। ठीक है, उन्होंने फिर देखा कि महिलाओं की जो स्थिति है वो कुछ खास नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा, महिलाओं के को सशक्त बनाने के लिए उनको कुछ अधिकार दिए। ठीक है, उनको अधिकार दिए, कुछ अलग अधिकार दिए, साथ में उनको कार्य करने मतलब वर्क करने की भी उपलब्धता दी, जिससे क्या हुआ, उनकी महिलाओं का तो विकास हुआ, साथ में उसकी जो मानव इंडेक्स है उसमें भी विकास उसका काफ़ी अच्छा पहुंचा। अर्थव्यवस्था है, यह मुक्त व्यापार की अर्थव्यवस्था को अपनाता है, जिसे जिससे जिसके कारण वह चौथे स्थान पर है। ठीक है, ये क्या करता है, जो जापान है वो तीसरे स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरा, वह मुक्त व्यापार को भी अपनाता है, मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था को अपनाता है, जिसके आधार पर वह चौथे स्थान पर है। ठीक है, विश्व में। उसके बाद आता है जापान की कुछ विशेषताएं हैं। जापान विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान G7 G20 का सदस्य है। वर्ष 2018 में जापान ने चौथी सबसे बड़े आयात और निर्यात का स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, 2018 में जापान ने विश्व में सबसे बड़े देश आयात और निर्यात का पुरस्कार प्राप्त किया था। उसके बाद आता है, जापान ने ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी से विकास किया है। अब जापान ने, आपको पता ही होगा, जापान ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में और साथ में ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विकास किया है। आज भी भारत में कई ऐसी चीज़ें हैं जो जापानीज ब्रांड की हैं, ठीक है, और वो काफ़ी मात्रा में यूज़ की जा रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ ज़्यादा है, तथा वह अपनी प्रौद्योगिकी अन्य देशों को भी देता है, जिससे अन्य देशों के विकास में तेजी आती है। ठीक है, जापान क्या करता है, जापान के पास जो भी टेक्नोलॉजी है वो अन्य देशों को शेयर करता है, जिससे अन्य देश तो अपना विकास कर ही सकते हैं, साथ में जापान भी अपना विकास कर सकता है। इससे दो कारण होते हैं, इससे जापान के संबंध अन्य देशों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, साथ में विश्व में एक शांति का जो मैसेज है वो पहुँचता है। ठीक है, तो ये अगर आप लिखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि जापान के अन्य देशों के साथ संबंध किस प्रकार के हैं, तो अगर आप ये लिखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध है, ठीक है, ये चीज़ें जापान दूसरे देशों को प्रोवाइड करता है, तो साथ में आपको ये भी लाइन लिखनी होगी कि इससे विश्व में दो प्रकार के मैसेज आते हैं। पहला, कि जापान के संबंध दूसरे देशों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरा मैसेज ये है कि वह अन्य देशों के विकास को भी चाहता है, और इस तरफ से आप लिख सकते हैं बना के, तो आपको मार्क्स मिलने में आसानी होगी। वर्ष 2015 में चीन ने सबसे अधिकांश जीडीपी के क्षेत्र में जापान को दूसरे स्थान से हटाकर तीसरे स्थान पर कर दिया। ठीक है, 2015 के वर्ष में, साल 2015 में चीन ने जापान को, ठीक है, दूसरे स्थान से हटाकर तीसरे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। जापान भी विश्व में अमेरिका के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है, तथा अमेरिकी सहित जापान अन्य देश जैसे चीन और रूस को भी विकास के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा प्रदान कर रहा है। अब जापान एक शक्ति का केंद्र के रूप में दिखाई दे रहा है। साथ में जापान का क्या सीन है कि जापान बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है, तो वो क्या करता है, वो अमेरिका को तो टक्कर दे रहा है, साथ में चीन और रूस को भी टक्कर दे रहा है, क्योंकि चीन और रूस भी विकास के दौर पर काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ठीक है,
अगर जापान अपनी सैन्य शक्ति पर अधिक बल दे तो वह विश्व की महाशक्तियों में से एक बन सकता है, ठीक है। अगर जापान अपने सैन्य बल पर भी बल दे, ठीक है, वो अपनी सेना रख के सेना को अधिक टेक्नोलॉजी से लैस करे, तो साथ में क्या होगा, तो वो विश्व की महाशक्तियों में से एक बन सकता है। बट वो चाइना नहीं, वो जापान नहीं चाहता, वो सेना रखना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, बस ये चैप्टर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ्रेंड्स के लिए और आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइज़।